हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। बॉलीवुड के अदाकार टाइगर श्रॉफ की वालदा और जेके श्रॉफ की एलिया आयशा श्रॉफ के साथ 58 लाख इंडियन रुपीस का धोखा हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आयशा श्रॉफ, जो कि साबिक फिल्म प्रोड्यूसर है, ने मुंबई की सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में धोखादेही का मुकदमा दर्ज करवाया। इस मुकदमे में उन्होंने मुलजिम एलन फर्नांडेस को नामजद किया है, जिन पर दफा 420, 408, 465, 467 और 468 दर्ज की गई है। इंडियन मीडिया के मुताबिक 20 नवंबर 2018 को एलियन फर्नांडेस को एमएमए मैट्रिक्स कंपनी का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन तैनात किया गया था। ये एमएम मैट्रिक्स जिम टाइगर श्रॉफ और उनकी वालदा आयशा श्रॉफ का है। इस जिम में होने वाली तमाम सरगर्मियां आयशा और एलन देखते थे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ फिल्म में काम के बाइस मसरूफ रहते हैं। खबरों के मुताबिक मुलजिम ने कंपनी के जरिए इंडिया और इंडिया से बाहर 11 टूर्नामेंट्स करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए। दिसंबर 2018 से जनवरी 2023 तक मुलजिम ने मजमूई तौर पर 58,53,000 रुपये कंपनी के बैंक की बजाय अपने ज़ाती अकाउंट में जमा करवाए। वाज़ह है कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ कि आयशा श्रॉफ ने किसी पर मुकदमा दर्ज करवाया हो। उन्होंने इससे कबल 2015 में अदाकार साहिल खान पर भी धोखाधड़ी और मुजरिमाना तौर पर धमकाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि साहिल खान ने उनके 4 करोड़ रुपये के वाजिबात अदा नहीं किए। देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। शुक्रिया।